तो मजे का सीन चल रहा था, किसका फोन आ गया। हेलो, ओहो 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 ज़ारा, आयमा काम डाउन। ओहो हो, खैरियत हो? ऐसा क्या हो गया आयमा? टीवी पे सुना था कि एक बम्बास्टिक सा सितारा हमारी तरफ आ रहा है और कह रहे थे कि हम सबको मार डालेगा। मैंने तो कहा अपनी सहेली को आखिरी बार हेलो कर लूं। काम डाउन, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये धूमदार तारा यानी कॉमेट होता है और इससे कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि रुको, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अभी ऑब्जर्वेटरी जा रही हूँ, वहां मैं देख के और बहुत कुछ तुम्हें बताती हूँ इस कॉमेट के बारे में। ये कॉमेट कितना खूबसूरत नजर आ रहा है और इसकी टेल कैसे आसमान में एक चमकता हुआ पैटर्न सा बनाती जा रही है। सो ब्यूटिफुल। आयमा की तरह हो सकता है आपने भी कभी कॉमेट्स का लव सुना हो, एंड ये भी हो सकता है कि आपने जब इसको देखा हो तो आपके जहन में भाई बहुत से सवाल आए हों कि भाई ये इतनी खूबसूरत टेल आ कहाँ से रही है, कैसे बन रही है, क्यों है, और ये जो कॉमेट साहब हैं क्या ये हिल रहे हैं या एक ही जगह खड़े हैं, क्या ये कॉमेट्स जो हैं हमेशा हमारे आसमान में होते हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ये कॉमेट्स ही थे जिन्होंने हमारे समुद्रों में पानी भरा, और अगर ये धूमदार सितारे असल में सितारे नहीं तो फिर भाई ये चीज क्या हैं? इतने सारे सवालात और इतने सारे ख्यालात। चलिए अब जरा रुशान के पास चलते हैं ये पूछने के, भाई बता दें हमें कि ये कॉमेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। You can teach us. No, I can't. कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ही दूर डस्टी आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक सेकेंड, कुछ ठीक नहीं है। मैं जरा कॉमेट की स्पीड से एक सेकेंड वापस आता हूँ। अब ठीक है। सो जब सोलर सिस्टम बना बहुत सारा मटेरियल सूरज में गिर गया, बाकी मटेरियल प्लैनेट्स में गिर गया, और जो सूरज से बहुत दूर ठंडे और अंधेरे इलाकों में बर्फें बच गईं, उनको हम कहते हैं कॉमेट्स। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर दूं। बेसिकली ऐसे पत्थर जो मुख्तलिफ किस्म की बर्फों से कवर्ड हो, इसमें वाटर आइस भी हो सकती है, इसमें अमोनिया आइस भी हो सकती है, और उसके ऊपर निजामे शमसी के बनते वक्त की बची कुची डस्ट भी हो, इनको हम कॉमेट्स कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गंदे बर्फीले पत्थर, उनको हम कॉमेट्स कहते हैं। तो ये कॉमेट्स जो हैं, ये सूरज के गिर्द लंबी लंबी ओवल शेप की ऑर्बिट्स में चक्कर लगाती हैं। इनको एक चक्कर काटने में कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, कुछ को तो लाखों साल भी लग जाते हैं। तो ये जो कॉमेट्स हैं ये बेसिकली दो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। एक तो वो इलाका है जिसको काइपर बेल्ट कहते हैं। ये प्लैनेट नेपट्यून के बाद वाला ऐसा इलाका है जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वो सूरज से बहुत दूर है। लेकिन फिर एक ऐसा एरिया है जो सूरज से इतना ज़्यादा दूर है कि वो भरा हुआ है इन बर्फीले ऑब्जेक्ट से। तो ख्याल ये है कि ज़्यादातर कॉमेट्स इस जगह से आते हैं जिसको हम कहते हैं ओर्ट क्लाउड। तो कॉमेट्स को जरा करीब से देख लेते हैं। ये देखिए, कॉमेट का एक
एंड जो है जो जरा ज्यादा ब्राइट है, जहां से आप कह लें कॉमेट शुरू हो रहा है, इसको हम कहते हैं कोमा। जब कॉमेट सूरज के बहुत करीब आ जाता है तो याद रखें वो बर्फ से बना हुआ, तो सूरज की गर्माइश से वो बर्फ उड़नी शुरू हो जाती है, और ये जो आप गोला सा देख रहे हैं बिल्कुल कॉमेट के फ्रंट पे, ये वो उस गैस का गोला है जिसको हम कोमा कहते हैं, और इसी गोले की वजह से ये पीछे एक दुम बनती है उसी मटेरियल की, तो इसको हम टेल कहते हैं। तो कॉमेट्स की एक्चुअली एक टेल भी होती है। समटाइम्स कॉमेट्स की एक बड़ी खूबसूरत ब्लू कलर की दूसरी टेल भी नजर आती है, और जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसको हम आयन टेल कहते हैं। तो दो तरह की दुम कभी कभार होती है और एक बड़ा सा उसका कोमा होता है, और इस कोमा के अंदर, इस फ्रंट वाले हिस्से के कहीं अंदर करके वो बर्फीला पत्थर है जो इस सारी डस्ट और गैस के खारिज होने का जिम्मेदार है। सदियों से इस कायनात में बहुत से फेमस कॉमेट्स गुजरे हैं, जैसे कि हैले कॉमेट, हेल बॉब, याकटाकी, न्यू वाइस और बेशुमार और कॉमेट्स। और इन्हीं कॉमेट्स को स्टडी करने के लिए हमारे साइंसदानों ने भी बहुत सी कोशिशें की हैं। ऐसी एक बहुत नोटेबल कोशिश थी 2004 में, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स ने एक रोसीटा नाम स्पेसक्राफ्ट को यूनिवर्स में लॉन्च किया। रोसीटा स्पेसक्राफ्ट ने खुद पे एक फिले नामी लैंडर भी उठाया हुआ था, और इन दोनों का ये एम था कि ये एक कॉमेट के ऊपर फिले को लैंड करेंगे, जहां से फिले वापस रोसीटा को बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा भेजेगा। और ये जो कॉमेट था ना जहां फिले ने लैंड होना था, इसका भाई बहुत ही मुश्किल नाम है, 67P च्युरियोमोव गेरासिमेन्को। इतना मुश्किल नाम से तो बेहतर है कि हम इसको 67P ही कह लें। तो भाई हुआ फिर कुछ ऐसे कि 10 साल की एक लंबी जर्नी के बाद 2014 में रोसीटा वो ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन गई जिसने किसी कॉमेट को सक्सेसफुली ऑर्बिट किया हो। और इससे भी ज्यादा कूल बात तब थी जब फिले इसका लैंडर उस कॉमेट पे सक्सेसफुली लैंड कर गया। सक्सेसफुली लैंड करने का ये मतलब है कि ये ऐसा पहला लैंडर बना जो उस पे लैंड करते ही तबाह बर्बाद नहीं हो गया। I made it. तो कॉमेट आमतौर पर ना बड़े पुरसकून सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, सालों से घूम रहे हैं, सैकड़ों साल, हजार साल, लाख साल चक्कर काट ही जा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कॉमेट्स की ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वो डिस्टर्ब होती है तो कभी कभी कॉमेट किसी और चीज में जाकर टक्कर भी मार देता है। ऐसी एक टक्कर एक कॉमेट ने जुपिटर के साथ मारी थी। जी हाँ, साल था 1994, प्लैनेट था जुपिटर और कॉमेट थी कॉमेट शूमेकर लेवी 9। कॉमेट शूमेकर लेवी 9 के टुकड़े जुपिटर के अंदर जाके लगे। हर टुकड़े ने एक जबरदस्त एक्सप्लोजन क्रिएट की, और जमीन के ऊपर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर तैयार थे, और जमीन के इर्द गिर्द हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस चीज को देखने के लिए तैयार था। तो सब ने ये चीज अपने टेलीस्कोप से देखी, और ये देखें कैसे जबरदस्त एक्सप्लोजन्स हो रही हैं जुपिटर के ऊपर, और उन एक्सप्लोजन्स के बाद जुपिटर के ऊपर उसका निशान भी नजर आता रहा कुछ घंटों तक। क्या अमेजिंग इवेंट होगा! और ये इतनी बड़ी एक्सप्लोजन्स थी कि अगर ये जमीन पर होती तो शायद ज्यादातर लाइफ जमीन के ऊपर एक्सटिंक्ट हो जाती। जिससे मुझे याद आया कि कहीं डायनासोर तो ऐसी किसी इंपैक्ट की वजह से एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए। इसकी बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। I want answers now. मई का महीना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस महीने हमें चांद के साथ सितारे नुमा बहुत से प्लैनेट्स नजर आएंगे। 4 मई को सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मशरक की सिमत में आप देखना मत भूलिएगा।
यहाँ आपको सैटर्न और चांद करीब करीब नजर आएंगे और अगली सुबह यानी 5 मई को आपको सैटर्न और मार्स बहुत पास नजर आने वाले हैं और उससे अगली सुबह 6 मई को मर्करी टिन करीब आ जाएंगे। तो दोस्तों इस खूबसूरत नजारे को देखना मत भूलिएगा। Do you always carry that calendar? तो इस किस्त में हमने बात की कॉमेट्स की यानी दुमदार सितारों की। हमने देखा कि कॉमेट्स कहां से आते हैं, कॉमेट्स कहां रहते हैं और कॉमेट्स की शक्ल कैसी दिखती है। उसके बाद हमने कायनाती टुकड़े में देखा कॉमेट शूमेकर लेवी 9 का जुपिटर के साथ इंपैक्ट और आपके आसमान में सुबह के वक्त चांद और मुख्तलिफ प्लैनेट्स की आपस में कंजंक्शन यानी उनका इकट्ठा होना। रोशन, इंसानों को किसी चीज के एंड पे क्या कहते हैं, अपना ख्याल रखें, राइट? हाँ, तो भूल क्यों रहे हो तुम? भूल क्यों? तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस अमेजिंग और ऑसम कायनात में अगली कायनात किड्स खबरों की एपिसोड तक डॉक्टर जरा बताएं इनको बताएं इंतजार करें इंतजार करें।